हे दोस्तों, तो आज मैं दिखाने वाला हूँ टाटा पांच से घर से लेके ऑफिस तक जाने में कैसे फेल होता है। तो मैंने ऑलरेडी और भी गाड़ी चलाए हैं, पर पिछले 2 साल से टाटा पांच ही यूज़ कर रहा हूँ, ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस, एंड कोई आसपास लोकेशन में घूमने घामने के लिए, नाइटिंग वाइटिंग एवरीथिंग। हाँ, तो आज बिना स्किप किए हुए मैं घर से लेके ऑफिस तक जाने में, ये गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर 15 मिनट की रास्ता है और फिर लगता है 1.5 घंटा, कभी कभी 2 घंटा भी हो जाता है ट्रैफिक की वजह से, कभी कभी आधा घंटे में भी पहुँच जाते हैं, लेकिन जो एवरेज है 1 से 1.5 घंटा। तो मैं पूरा दिखाऊंगा, एक एक चीज़ दिखेगा रास्ते में जो भी होता है, बस बने रहिए। अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट कर दिया। अब जो भी होगा रास्ते में एक एक चीज आपको दिखेगा। चलिए, हम लोग निकल गए हैं। ये घर के बेसमेंट है, सोसाइटी के बेसमेंट, जहाँ पे कार पार्किंग है। ये डेली का रूटीन है, तकरीबन 8:30 बजे से पहले पहले निकलना घर से, और 9:30 तक या 10 बजे से पहले पहुंचना घर। ये है सुबह का नजारा। अभी तो इस वाले रोड पे थोड़ा खाली मिल रहा है, लेकिन जैसे हाईवे पहुंचेंगे, डेली हाईवे से होते हुए जाता हूँ, तो वहाँ पे मिलेगा मेरे को जाम।
इसमें थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप का है, उबरा खाबरा। ये वीडियो अनकट रहेगा, कोई एडिटिंग नहीं होगा। जैसे जैसे आपको यहाँ पे कैप्चर हुआ ऐसे एज इट इज अपलोड होगा। पावर स्टेयरिंग है, ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं आता, हाथ वगैरह दुखता नहीं है। एक्चुअली आज बोलूंगा कम, दिखाऊंगा ज्यादा, अनकट। राइट टर्न लेना पड़ता है हाईवे के लिए। एक्चुअली मैं चाहूँ तो डेली ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस वाला वीडियो बना सकता हूँ, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, दुनिया भर के एपिसोड।
जैसे पहाड़ी लोग बनाते हैं पहाड़ का, सेम पहाड़ का ही ब्लॉग 1, ब्लॉग 2, ब्लॉग 3 दुनिया भर के। ये भी एक अच्छा चीज़ है जॉब करने वालों के लिए, अगर ब्लॉग बना रहे हो डेली ऑफिस जाते हुए, डेली ऑफिस से आते हुए क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है, डेली का अलग अलग कहानी होगा, है ना। मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा बिजी रहता है, सभी लोग जाते हैं ऑफिस, फैक्ट्री भी बहुत है, मैं जिस एरिया में रहता हूँ तो यहाँ पे फैक्ट्री वर्कर भी आते हैं भर भर के, रोड जाम रहते हैं, कोई पैदल से पैदल आते हैं, कोई साइकिल से आते हैं, तो रोड ये वाला थोड़ा सा ना रहता है भीड़ भाड़। आज तो पता नहीं इतना खाली सा क्यों है, वैसे इतना खाली होता नहीं है वाला रोड। अच्छा है अगर इस तरह का खाली रहे तो। मेरा घर से ऑफिस का दूरी है 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, तो वैसे तो 21 किलोमीटर कितना 15 to 20 मिनट से रास्ता है, लेकिन मैं 20, 25, 30 से ऊपर चला ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रोड स्लो है। टाइम से पहले निकल के आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, शायद रास्ता थोड़ा खाली मिल जाए, अगर ऐसा हुआ मज़ा आ जाएगा। गुड़गांव के सेक्टर 10 एरिया है, अभी हम लोग हीरो होंडा चौक पहुंचेंगे, फिर वहां से लेफ्ट काट लेंगे दिल्ली की तरफ, हाईवे दिल्ली जयपुर हाईवे।
बिल्कुल अंडरपास होते सीधा चले जाएंगे तो ये आपका हुडा सिटी सेंटर, शोभा चौक, सोहना की तरफ जाने वाला रोड मिलेगा। हमें उधर नहीं जाना है, हमें लेफ्ट कट मार के ऑफिस की तरफ जाना है, उद्योग विहार। हीरोहोंडा चौक है, फ्लाईओवर के उस तरफ हीरो का बोर्ड दिख रहा होगा। वैसे ये हीरो चौक होना चाहिए, एक्चुअली पहले हीरो होंडा हुआ करता था, तब से नाम लगा हुआ है हीरो होंडा चौक, लेकिन अभी इसका नाम बदल के हीरो चौक होना चाहिए था, लेकिन सब लोग हीरो होंडा चौक ही कहते हैं, मैं भी कहता हूँ। चढ़ चुके हैं, स्मूथली चल रहा है, तकरीबन 20,500 किलोमीटर चल चुके हैं और वाइब्रेशन वगैरह तो अभी तक फील नहीं हो रहा।
पहला ट्रैफिक मिला थोड़ा सा, वैसे इस तरह का ट्रैफिक तो रहेगा ही रहेगा, गुड़गांव में रहता हूँ तो ये तो कम है, ये तो कम है। मैं थोड़ा 15 मिनट पहले निकला हूँ। अभी मैंने 8.3 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ, मेरे उसमें दिखा रहा है और उसमें एवरेज आ रहा है 11.2, इतना ही दिखाएगा। चलिए आगे अगर जाम नहीं मिलता है, अगर मैं फ्रिक्वेंटली अगर चलाऊँ 60-70 अगर मेंटेन कर सकूँ तो मेरे को एकदम से आ जाएगा यहाँ पे 20-21 किलोमीटर, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ट्रैफिक तो रहेगा 40, 30, 40, 50, नहीं चला सकते। अनकट मतलब अनकट,
कोई एडिटिंग नहीं होगा, जैसे जैसे कैप्चर हुआ वैसे वैसे अपलोड होगा। लैप्सन में 32 सेकेंड माइलस्टोन, ये एक यहाँ पे ऐसा फील होगा कि आप अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में हैं रात को। इसके अंदर अलग ही लाइटिंग वाइटिंग, दुकानें फॉरेन स्टाइल। एकदम से ब्रेक मारना पड़ता है, सामने वाले का पता नहीं चलता है। आज तो फिर ट्रैफिक कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसा ऐसा होता नहीं है, किस्मत। आज ट्रैफिक ना होने का एक किस्मत। अगर ट्रैफिक लग जाता है एक ब्रेक, एक विकेट आ
आगे बढ़ने में भी टाइम वो लगता है, टाइम लगता है 10-10 मिनट। रुके रहो, रुके रहो।
फाइनली ऑफिस आ गए हैं। एक्चुअली आज ऑफिस के लिए घर से पहले ही निकला था, टाइम से पहले ही निकला था कि ट्रैफिक ना मिले और वीडियो जल्दी से बन सके। तो हुआ भी ऐसा कुछ जहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है वो एटलीस्ट शायद 35-40 मिनट में कवर अप हो गया, 20-25 मिनट की बचत। थैंक यू।